लपेटते रहो विद हनी बनी। आज ये मैगजीन पढ़ लेता हूँ। इतनी मोटी किताब, पोपट ये किताब पढ़ने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? मैं ये मोटी किताब एक रात में पढ़कर फिनिश कर सकता हूँ। कोई शक? इम्पॉसिबल। ओए, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है। तो अभी बोल के क्या फायदा? डिक्शनरी खरीदते वक्त ही चेक कर लेना चाहिए था ना। लपेटते रहो। दो बिस्किट के पैकेट, 5 किलो चावल, टूथपेस्ट, तेल। अरे तेल तो दिया पर इसके साथ का गिफ्ट नहीं दिया। इसके साथ कोई गिफ्ट नहीं है। उल्लू मत बनाओ, इसमें लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री। लपेटते रहो। डॉक्टर साहब ये यहाँ लगी है। ये क्या हनी, ये चोट कैसे आई? अरे डॉक्टर साहब मैं कुछ सफाई का काम कर रहा था तब सीढ़ी से फिसल गया। ओहो, घाव काफी गहरा है तो टांके लगाने पड़ेंगे। उसके कितने रुपए होंगे? 1000 रुपए। 1000 रुपए? डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ टांकों की जरूरत है, एम्ब्रॉयडरी की नहीं। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। हम उस आदमी के पीछे क्यों जा रहे हैं? वो तो आइसक्रीम भी नहीं बेचता। मुझे लगता है यही वो आदमी है जो नकली नोट मार्केट में चला रहा है। इसी की बात कर रहे थे इंस्पेक्टर पांडा, हम उसका पीछा कर रहे हैं। भाई साहब चलते रहो, रुकोगे तो हम पीछा कैसे करेंगे? लपेटते रहो। पुत्री क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? अरे छोटे भाई कुछ नहीं, मुझे ना नॉनवेज खाने का बहुत मन कर रहा था। हाँ तो फिर? फिर क्या, मैं बस चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। लपेटते रहो। बड़े भाई हम पिकनिक के लिए कहाँ जाएं? चलो कब्रिस्तान चलते हैं। पागल है क्या, कब्रिस्तान भी कोई विजिट करने की जगह है? पर मैंने तो सुना है लोग मरते हैं वहाँ जाने के लिए। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? वो दही हांडी के लिए चंदा चाहिए। चंदे की क्या जरूरत है, दही देता हूँ, हांडी में दूध के साथ डाल देना, शाम तक दही हांडी तैयार। ईश, अरे दही नहीं जमाना है, दही हांडी फोड़ने के लिए चंदा चाहिए। जब फोड़नी है तो खरीदने में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मिट्टी की हांडी बनाने वाला कुम्हार होता है, दही हांडी फोड़ने का त्योहार होता है। ठोको ताली। मैंने दही की हांडी निकालने में फोड़ दी थी तो मैडम ने बहुत डांटा था। ईश, चलो चलो इनका चंदा मैं अपनी जेब से भर दूंगा। लपेटते रहो। पोपट तुम आ गए? नहीं मैं अभी रास्ते में हूँ। कोई शक? रास्ते में तो यहाँ कैसे दिख रहा है? हनी हमारे दिमाग का भरता मत बना, पहले मूड बहुत खराब है। क्या हुआ, तुम लोगों ने चेहरा क्यों उतार रखा है? जोरदार तुम भी कुछ भी बोल देते हो, उनका चेहरा उनकी गर्दन के ऊपर ही कहाँ उतार रखा है। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। आज हम गणित यानी मैथ्स पढ़ेंगे, तो सुनो। एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 2 आम सड़ गए, बताओ कितने आम बचे? सर। हाँ बनी। सर 10 आम। वो कैसे? सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेगा ना, केला तो नहीं बन जाएगा। लपेटते रहो। तोताराम प्रेजेंट सर। नंदू प्रेजेंट सर। पोपट प्रेजेंट सर। कोई शक? अनी प्रेजेंट सर। अनी कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अच्छा तो फिर बनी क्यों नहीं आया? उत्तरी सर मैं भी उसी सपने में हनी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। लपेटते रहो। आज हम चॉइस के बारे में पढ़ेंगे, हमारी चॉइस हमारा कैरेक्टर बनाती है।
तो सुनो, एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ अकल। हनी, तुम क्या चुनोगे? पैसा। गलत, मैं अकल चुनता। आप सही हो सर, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। हनी, ABCD सुनाओ। ABCD। और सुनाओ। और सब बढ़िया है, आप सुनाओ। लपेटते रहो। यस, हमारी नई एड फिल्म में तुम एक्टिंग करोगी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ उछल कूद करना है, पर हमारे जूते पहनकर। आपके जूते किट्टी को कैसे आएंगे? ओह नो। हमारा मतलब हमारे नहीं डफर, हमारी कंपनी के जूते, जिसका एड बनाना है। कोई डायलॉग नहीं है, तुम्हें भागते हुए गुंडों से बचना है। जब गुंडे भाग ही रहे तो उनसे बचने की क्या जरूरत है? अनी, यमुना नदी कहाँ बहती है? यमुना नदी जमीन पर बहती है। ओहो, यहाँ मैप में कहाँ बहती है बताओ? मैप में कैसे बह सकती है? मैप गीली होके गल नहीं जाएगी। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे, हनी के पास फोन। हेलो हेलो। अरे बड़े भाई, नया फोन कब लिया? ये फोन नया नहीं है, किटी का है। किटी का? किटी का फोन क्यों ले आए? वो रोज बोलती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। आज चांस मिला तो फोन उठा लाया। लपेटते रहो। पकड़ो, ये दोनों टेररिस्ट है। पकड़ो। वाओ, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ओह शाबाश पुत्रों, शाबाश। ईश, हनी, तेरी बेवकूफी के कारण मुझे प्रमोशन मिलेगा। पूरा मत खा जाना, थोड़ा हमें भी देना। ईश, प्रमोशन खाने की चीज नहीं होती। फिर आप ही ले लो, फालतू चीजों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। छोटे भाई, ये कॉफी जल्दी जल्दी पी लो। पर बड़े भाई, ये बहुत हॉट है, इसीलिए तो जल्दी पी लो, वरना कोल्ड हो जाएगी। हाँ तो कोल्ड हो जाएगी तो क्या होगा? वो देखो, हॉट कॉफी 50 रुपए और कोल्ड कॉफी 100 रुपए। लपेटते रहो। इतनी सारी मधुमक्खियाँ, भागो। भगाओ कार। ओह नो, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। कार और तेज चलाओ। और तेज नहीं चला सकता, रास्ता खराब है। हाँ तो आने के पहले रास्ता ठीक करवाना था ना। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। बनी ऑटोमेटिकली मतलब? अरे हनी, अगर कोई आदमी गंजा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टकला। और अगर कोई लड़की गंजी हो तो उसको क्या कहेंगे? टकली। और वो लड़की अगर ऑटो में बैठकर कहीं घूमने जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो में टकली। अरे वाह, ऑटो में टकली। ले भाई लपेट। लपेटते रहो। मैडम हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाती हैं, हमें भी उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हाँ एकदम करेक्ट, हमें भी ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा मैडम हमारे साथ करती हैं। पर मैडम हमारे कटोरे में दूध कैसे पिएंगी? वो तो ग्लास में पीती है ना। अरे यार, तू बेवकूफ है क्या? अच्छा
मतलब मैडम हमारे कटोरे से दूध पीती हैं, पर कभी देखा नहीं। लपेटते रहो। अरे जोरदार, जरा देखो तो बाहर सूरज निकला है या नहीं। अनी, बाहर तो अंधेरा है। अरे तो टॉर्च जला कर देख लो। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। पता है बनी, एक बार मेरे अंकल ने पतंग इतनी ऊपर उड़ाई, इतनी ऊपर उड़ाई कि एक तारे के साथ पेंच लड़ाई। वो तारा टूट गया तो लोगों को लगा कि वो टूटता तारा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं हनी, एक बार मेरे अंकल ने टेरेस पर खड़े होकर इतनी ऊंची पतंग उड़ाई, इतनी ऊंची पतंग उड़ाई कि एलियंस वर्ल्ड में जाकर एलियंस पतंग लीग जीत कर आ गए। ले भाई लपेट। लपेटते रहो। कहिए हनी जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे बैंक से लोन चाहिए था। सर, हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन देगा। अगर देने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो? जाओ, नहीं चाहिए। लपेटते रहो। यार सुना है कल अंडमान में साइक्लोन आया, ये साइक्लोन होता क्या है? अरे हनी, जब किसी को साइकिल पर लोन मिलता है उसे साइक्लोन कहते हैं। ले भाई लपेट। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। इतना धुआं क्यों हो रहा है? हनी बेवकूफ, कुकर फट गया। कोई शक? कोई शक नहीं, कुकर ही फटा है। कैसे फट गया? मैंने कहा था ना कुकर को देखना। कुकर को ही देख रहा था। जब दाल बन गई थी तो गैस बंद क्यों नहीं की? तूने गैस बंद करने का नहीं कहा था। हाँ? सिर्फ कुकर को देखने का कहा था। लपेटते रहो। बड़े भाई वो देखो, कोई अपना बैग भूल गया। चलो देखते हैं किसका है। उत्तरी, ये तो बॉम्ब है, वो भी दो दो बॉम्ब है। चलो हम ये बॉम्ब इंस्पेक्टर पांडा को दे आते हैं। अरे अगर रास्ते में बॉम्ब फट गया तो झूठ बोल देंगे, एक ही बॉम्ब मिला था। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। हनी और बनी, ये बताओ 8 का हाफ कितना होता है? मैं बताता हूँ, 8 का हाफ 4 होता है। हनी, क्या ये करेक्ट है? टीचर, ये तो डिपेंड करता है हम 8 का हाफ कैसे करते हैं। सीधा हाफ करेंगे तो 3 होगा और आधा करेंगे तो 0। लपेटते रहो। दोस्तों, टमाटर अटैक। ओए, कौवे हमारे टमाटर खा रहे हैं, भगाओ उन्हें। बस हटो। मुझे क्यों मारा? तू कौओं के बीच में उड़ रहा था, मुझे लगा कौवा है। गधे, हरे रंग का कौवा होता है क्या? मुझे लगा बेवकूफ बनाने के लिए कौवा भेष बदल के आया है। लपेटते रहो विद हनी बनी। सब्सक्राइब टू सोनी ये फॉर मोर सच फन वीडियोस।